जब हम टेरिस गार्डनिंग करते हैं तो अपने टेरिस गार्डन में कौन कौन से फ्रूट्स के पौधे को लगाएं और किस पौधे के लिए कौन सी ग्रो बैग सही रहेगा, ये हमें समझ में नहीं आती। बेसिकली हम कौन कौन से फ्रूट्स के पौधे अपने टेरिस गार्डन में शामिल करें और किस पौधों के लिए कौन सी साइज का ग्रो बैग सही रहेगा, ताकि पौधे का ग्रोथ भी सही हो और टेरिस पे भार भी कम बनी रहे, विस्तार से हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदित्य और आप देख रहे हैं नेचर एंड गार्डनिंग चैनल। फर्स्ट नंबर में हम आंवले के पेड़ को अपने टेरिस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। वैसे तो हम सबको पता है कि आंवले से कितने फायदे होती है। आंवले के पेड़ को लगाने के लिए हमें 24x24 का ग्रो बैग चाहिए होता है और इसके लिए जो भी हम मिट्टी तैयार करेंगे वो लाइट वेट में मिट्टी बनाएंगे जिसमें कोकोपीट की मात्रा अधिक हो, जिसमें 50% कोकोपीट, 30% मिट्टी और 30% गाय की गोबर की खाद या बर्मी कंपोस्ट लेंगे और 10% में हम नीम की खली, सरसों की खली का यूज करके हम मिट्टी तैयार करेंगे। दूसरे नंबर पे हम आम के पेड़ अपने टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं। वैसे आम के पेड़ को हम लगाएंगे जिसके पेड़ छोटे बनते हो, जैसे हम अमरपाली आम का पेड़ लगा सकते हैं, इसमें फ्रूटिंग अच्छी होती है और टेरिस गार्डन के लिए सूटेबल होते हैं। और उस आम के पेड़ के लिए भी हम लाइट वेट मिट्टी का ही यूज करेंगे और इसके लिए जो हम ग्रो बैग का यूज करेंगे वो भी 24x24 का ही होगा। हम ग्रो बैग लेंगे या ट्री पॉट भी यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम लीची का पेड़ अपने टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं और थाई लीची का पेड़ लगाएंगे तो सही रहेगा। थाई लीची के पेड़ों की साइज छोटी होती है तो हम अपने गार्डन में थाई लीची के पेड़ भी लगा सकते हैं और इसके लिए जो ग्रो बैग की साइज होगी वो भी 24x24 के हम ले सकते हैं। चौथे नंबर पे हम अमरूद के पेड़ अपने गार्डन में लगा सकते हैं, टेरिस गार्डन पे लगा सकते हैं। इसके लिए हम जो ग्रो बैग की साइज होगी वो 24x24 होगी और जो मिट्टी उसके लिए तैयार होगी वो भी लाइट वेट मिट्टी होगी। वैसे टेरिस गार्डन की लाइट वेट मिट्टी ही सही होती है ताकि टेरिस पे भार कम बनी रहे, तो इसके लिए भी आप लाइट वेट मिट्टी ही लें और बैग 24x24 का हो या ट्री पॉट आपके पास है तो ट्री पॉट का भी यूज कर सकते हैं। पांचवें नंबर पे हम अपने टेरिस गार्डन में नींबू का पेड़ लगा सकते हैं और नींबू के पेड़ लगाने के लिए ग्रो बैग की साइज़ जो हम लेंगे वो 18x24 का ले सकते हैं और इसमें अच्छे से नींबू ग्रो कर जाएंगे। और नींबू के पेड़ के लिए हम जो मिट्टी बनाएंगे वो कोशिश हम करेंगे कि जो काली मिट्टी होती है उसमें अगर इसका मिट्टी बनाते हैं काली मिट्टी से और गाय के गोबर से बनाए गए मिट्टी जो तैयार होती है वो नींबू के पेड़ के लिए बहुत सही होते हैं। इसके लिए हम जो भी मिट्टी बनाएंगे वो अगर काली मिट्टी और गाय की गोबर की खाद हो तो इसका पेड़ बहुत सही लगेगा और इसका फ्रूटिंग भी बहुत अच्छे से आएंगे। इसके बाद छठे नंबर पे हम केले का पेड़ भी लगा सकते हैं और इसके लिए आप मिट्टी कोई सा भी ले सकते हैं, गाय की गोबर मिली होनी चाहिए, गाय की गोबर की जो खाद होती है वो मिली होनी चाहिए और इसके लिए जो ग्रो बैग लेंगे वो 24x24 का इसके लिए अच्छे सूटेबल हो जाएंगे, तो इसे भी हम टेरिस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। सातवें नंबर पे हम अंगूर की, काले अंगूर या उजले अंगूर जो भी हो, उसकी पौधे हम लगा सकते हैं और ये बेल होते हैं इसके, तो इसको भी हम टेरिस गार्डन में शामिल कर सकते हैं और इसके लिए जो ग्रो बैग लेंगे वो भी
24x24 का लेंगे, इसलिए कि इसको हम कटिंग द्वारा हमेशा फुटिंग कराते हैं, तो ये सालों साल चलते हैं, इसलिए हम इसका भी ग्रुप बैग का साइज 24x24 का लेंगे। और इसमें जो मिट्टी डालेंगे वो भी लाइट वेट मिट्टी हो। और जब भी हम अंगूर की बेल लगाते हैं तो इसके लिए हमें तार की मेड़ बनानी पड़ती है, जिसपे कटिंग के बाद जो नए ब्रांचेज निकलते हैं जिसमें फ्रूटिंग होती है वो आसानी से और अच्छे से फ्रूटिंग हो। इसके बाद हम पपीते को भी टेरिस गार्डन में शामिल कर सकते हैं, और इसके लिए भी 24x24 का ग्रो बैग या ट्री पॉट ही सही रहते हैं। अक्सर फ्रूट वाले पेड़ के लिए यानी बड़े पेड़ के लिए 24x24 के ग्रो बैग ही सही होते हैं, अगर उससे भी थोड़े बड़े हों तो भी सही रहेंगे, लेकिन कम से कम 24x24 का ग्रो बैग होना ही चाहिए। वो आपके पास ग्रो बैग हो या ट्री पॉट हो, कोई सा भी हो, इसके लिए भी मिट्टी लाइट वेट में भी होनी चाहिए। इसके बाद 9वें नंबर पे हम अपने टेरिस गार्डन में कटहल का पेड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन कटहल का पेड़ थाई कटहल का पेड़ होना चाहिए ताकि उसके पेड़ छोटे बने और फ्रूटिंग अच्छी हो। इसके लिए भी हम मिट्टी का जो यूज करेंगे वो लाइट वेट मिट्टी हो, और जो अपना ग्रो बैग की साइज हो वो 24x24 की हो, फिर उसमें अपने गार्डन में भी अच्छे से कटहल फ्रूटिंग कर पाएंगे, तो हम इसे भी शामिल कर सकते हैं, जो कि आप देख रहे हैं ये लगाया हुआ है। इसके बाद 10वें नंबर पे हम अनार के पेड़ को अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, इसके लिए हम 18x24 का ग्रो बैग लेंगे या ट्री पॉट ले लेंगे, और उसमें हम लाइट वेट मिट्टी में इसको लगा देंगे, ये भी बहुत सुंदर से टेरिस पे ये लग जाते हैं और फ्रूटिंग भी अच्छी होती है। इसके बाद 11वें नंबर पर रहा शरीफा, जिसको हम कस्टर्ड एप्पल भी बोलते हैं, इसको भी हम अपने टेरिस गार्डन में शामिल कर सकते हैं। इसके लिए जो ग्रो बैग की हम साइज लेंगे वो 24x24 की होनी चाहिए और मिट्टी लाइट वेट होनी चाहिए, फिर इसमें अच्छे से आप देख सकते हैं अच्छे से आपका शरीफे का पेड़ ग्रो करेंगे और फ्रूटिंग भी अब आने वाले टाइम में अच्छे देंगे। 12वें नंबर पे हम गागल के पेड़ को भी अपने टेरिस गार्डनिंग में हम शामिल कर सकते हैं, और इसके लिए जो हम ग्रो बैग का साइज लेंगे वो 24x24 का होगा, और मिट्टी भी आपका काली वाली मिट्टी और गाय की गोबर की खाद हम मिलाकर इसकी मिट्टी तैयार कर लेंगे और उसमें हम लगाएंगे, और ये अपने टेरिस पे भी अच्छे से फ्रूटिंग करते हैं। बस ये बात के ध्यान रखें कि जो भी हम गागल का पेड़, जिसको इंग्लिश में पोमिलो बोलते हैं, ये हम थाई ब्रीड का लाएँ जिसका पेड़ छोटे होते हैं, और टेरिस पे भी फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो इस पेड़ को लगाने के लिए आप ध्यान रखें कि आप जो भी पोमिलो का पेड़ लगा रहे हैं टेरिस पे वो थाई ब्रीड का हो तो फिर अच्छे रहेंगे। ये सारे फ्रूट्स के पौधे हम अपने टेरिस गार्डन में लगा सकते हैं। इसके अलावा हम सेब का पेड़, मौसमी के पौधे, चीकू के पौधे, स्ट्रॉबेरी के पौधे और संतरे के पौधे को भी हम अपने गार्डन में शामिल कर सकते हैं, और इसके लिए भी जो भी ग्रो बैग की साइज होगी वो पौधे के हिसाब से होगी। इसके अलावा भी आपको अगर कुछ और पेड़ के बारे में जाननी है तो हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। और ये वीडियो कैसी लगी अपना फीडबैक हमें ज़रूर दें। जय हिंद।